Morning friends, again a very important topic for those who want to make their career in KVS, and today we have this demo session for all of you. I hope you will like this session. But before that, हम आपको बता दें कि हमने आपको almost 1000 videos दे दिए students हमारे channel में, जिसमें आप teachers, interview, speaking, English speaking, you can go with your body language, you can go with interview sessions. आपके लिए abundance है, आप जाके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है बिल्कुल आप हमारे channel को subscribe भी कीजिए. तो चलते हैं students इस particular part की तरफ. My team is ready. Are you comfortable? Yes, sir. Okay. So, Mr. Krishan, you want to go in KVS and you are a PhD holder, isn't it? Yes, sir. आपने PhD करने का कैसे सोचा? सर, शुरू से ही इच्छा थी नाम के आगे डॉक्टर लगे. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. इसीलिए बायोलॉजी लिया था उस समय. Okay. घर वालों ने परसेंटेज कम बने थे, 54%. Okay. तो जाने नहीं दिया. Okay. कि क्या PMT करेगा, परसेंटेज तो यहाँ बनी नहीं. तो पढ़ने में बोला कम है, नहीं. फिर उसके बाद मैं पढ़ता गया तो पता भी नहीं था कि PhD करके डॉक्टर लग जाता है नाम के आगे. ओके. जैसे ही BSc कंप्लीट हुआ और मास्टर डिग्रीज में आया तो पता चला कि हाँ, ऐसे करके भी डॉक्टर लग सकता है. यस. तो यही रीजन था जिसकी वजह से तुम BSc से अपने मास्टर डिग्री तुमने ज्योग्राफी में करा? नो सर, स्पेशली ज्योग्राफी में आने का पर्पज तो ये था कि RS मेंस उस समय मैं दे रहा था. Okay. तो RS मेंस में जो पहले सब्जेक्ट लिए जाते थे दो. राइट. तो एक सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी था, एक जूलॉजी था. ओके. तो ज्योग्राफी मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और उस समय मैंने फिर मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया और मेरा वहाँ पर कॉलेज में नाम आ गया, तो फिर मैंने मास्टर कर. ओके. सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? सॉरी, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? ओके, प्रशांत महासागर. राइट, यू आर राइट. जूलॉजी में आपने क्या पढ़ा है? सर, जूलॉजी में मैंने पूरा ऑलमोस्ट प्राणी शास्त्र के बारे में जो भी होता है एनिमल्स एंड. आपका आपने जो स्टडी तो ह्यूमन बॉडी को भी किया होगा? यस सर. उसमें आपको क्या लगता है किस पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन पे आपकी कमांड अच्छी है या बॉडी सिस्टम पर आपकी कमांड अच्छी है? जिस पर आप कहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैनेजमेंट करने से पहले मैंने भी अपनी साइंस में स्टडी की है. ऑलमोस्ट 97 के अंदर मैंने अपनी 12th की पास की थी. उसके बाद मैंने अपनी बैचलर डिग्री की थी. उसके बाद मैंने MBAs वगैरह, MFL इंग्लिश ये सब किया. बट जब मैंने 12th की थी तो मैंने मुझे साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था. वो बात अलग है, जब मैंने मैनेजमेंट देखा तो मैं सब कुछ भूल गया, मुझे मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आ गया. पर मेरा इंटरेस्ट बहुत था, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसा पूछने का. तो आप मुझे ये बताइए कि बॉडी सिस्टम्स ऑर्गन्स में आपको क्या पसंद है? पसंद का मतलब खाने के लिए नहीं कह रहा, आपका फेवरेट, जिसमें आपकी पकड़ ज्यादा हो. नहीं सर, वैसे तो मैं आई एम वेजिटेरियन. ओके. और अगर कमांड की बात की जाए तो सर, स्पेशली ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि अभी कमांड बची हो, क्योंकि सर 2010 में पास आउट किया है BSc. तुम 2010 की बात करो, मैं तुम्हें 97 की बात कर रहा हूँ. तो सर, स्पेशली कमांड नहीं रहा अभी. चलो फिर, तुम्हें अपने दिल पर तो विश्वास होगा. हाँ यस सर. ठीक है फिर. हृदय के चैम्बर्स कितने होते हैं? सर, 4 चैम्बर्स. क्या क्या नाम होते हैं उनके? सर, आलंद और निलय. ओके, यू मीन ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल. यस सर. राइट. हार्ट को एक आर्टरी ब्लड देती है. Yes, कार्य करने के लिए, क्योंकि हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए. उस आर्टरी का नाम क्या होता है? सर, महाधमनी होती है हिंदी में, तो इंग्लिश कोरोनरी आर्टरी, आई थिंक सर. ओके, वेरी राइट. और दो वेन्स कौन सी होती है जो ब्लड लेकर आती है बॉडी से, ताकि उस ब्लड को प्योर किया जाए लंग्स के द्वारा? सर, वन विच महाशिरा. राइट. दो होती है वो. सेकेंड, सुपीरियर वेना केव और इन्फीरियर वेना केव. ये दोनों ऑरिकल में आती है और राइट ऑरिकल में आती है. राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाती है, प्योरीफाई होता है ब्लड. लेफ्ट ऑरिकल में आता है, वहां पर वाल लगे होते हैं. वाल दोनों तरफ होते हैं, बाइकस्पाइड ट्राइकस्पाइड. वेंट्रिकल में आता है, यहाँ पे ऑर्टा लगी होती है और पूरे ब्लड को सप्लाई होती है ब्लड. राइट. चलिए, ज्योग्राफी में आपकी कमांड है? यस सर. ओके, क्या टॉपिक्स क्या पढ़े आपने ज्योग्राफी में? सर, 11th 12th तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है. Okay. इसके अलावा जैसे कि मेरा MSc प्रीवियस, उसमें मेरा ज्योग्राफी में पहला सब्जेक्ट था फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड ज्योग्राफी इवोल्यूशन ऑफ थॉट, ओके, एंड थर्ड सब्जेक्ट था इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है? ज्योग्राफी का मतलब होता है सर कि स्टडी ऑफ अर्थ. राइट. ओके, अब अगर प्लैनेट्स के नाम पूछेंगे तो बहुत बच्चों वाली बात हो जाएगी. राइट. चलिए, आप हमें ये बताइए कि आप फिलहाल PhD कर रहे हैं. Yes, तो आप कॉलेज लेक्चरर क्यों नहीं बनना चाहते? आप KVS में क्यों आ रहे हैं?
सर सबसे पहले तो मेरा जो ड्रीम्स था वो था टीचर बनना. ओके. और कॉलेज लेक्चरर हो या स्कूल एजुकेशन, दोनों में टीचर की प्रेजेंटेशन ही करनी है. राइट. और टीचर टीचर बनने की जो क्वालिटी है वो तो ऑलमोस्ट होंगी, वो आप जज कर ही लोगे. और इसके अलावा हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन में, हाँ थोड़ा बहुत हायर एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी बजाय यहाँ के. ओके. बट यहाँ भी अगर मैं अपनी अपॉर्चुनिटी का पूरा उपयोग कर पाऊँगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता. Okay. तो यहाँ से भी मैं खूब आगे जा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो. ओके. मेरे दो कैंडिडेट्स हैं, सोयरा शी इज़ ऑल्सो कॉलेजेट एंड वी हैव अ प्रवीण, ही इज़ परसुइंग ए सी ए. सो ये भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे. यस यू कैन हैव. व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू सर? इफ़ यू सेलेक्ट मी, यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर फुलफिल माई ड्रीम्स एंड आई एम डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड पर्सन एंड आई एश्योर विद यू इफ यू सेलेक्ट मी आई विल जस्टिफाई योर सेलेक्शन विद माई वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली. जवाब तो अच्छा है पर जो बताने का जो वे है उसमें थोड़ी कमी आ रही है. वो प्रेजेंटेबल लाओ. मैं ऐसा नहीं कहूँगा अभी प्रवीण को हार्डली वन डे ही हुआ है हमारे पास, सॉरी आपको कृष्ण को, मगर वो वन डे के अंदर भी आप कोशिश ये करो कि आप जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनो अपने आप में, वो आपको बेनिफिट देगा. ये स्वायरा योर क्वेश्चन प्लीज. हॉबीज, माई हॉबीज आर वॉचिंग इंस्पायरेशन मूवी. इट इज इंस्पिरेशनल नॉट इंस्पायर. एंड एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर एंड आई मीटिंग लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गुड पर्सनैलिटीज एंड आई ऑल्सो वॉन्ट लर्निंग न्यू थिंग्स ऑल्सो देम. ओके. तो मुझे बताइए कि आप किस किस नए कल्चर में गए हो अभी तक. सर मैं अभी जैसे कि इंजॉय कर ही रहा हूँ गंगानगर में आपके साथ. ओके. और इसके अलावा मैं बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, वेरी गुड, आगरा, देहरादून. ओके. और दिल्ली. वेरी गुड. सो आपको पीडी क्लासेस पे जो डिफरेंट डिफरेंट लोग मिले, yes, चाहे वो बिहार से आए हुए हो, चाहे वो हैदराबाद से आए हुए हो, चाहे वो दिल्ली, गोवा, मुंबई से आए हुए हो, वो बच्चे आपको कैसे लगे? सर उनका नॉलेज अच्छा था. ओके. और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और जो आंसरिंग करने का वो था, देने का वो. Okay. सब कुछ परफेक्ट था. ओके. Okay. क्या आपको लग रहा है कि आपके अंदर भी चेंजेस आ रही है यहाँ ज्वाइन करके? बिल्कुल सर. ओके. सो जो बच्चे 7 डेज का प्रोग्राम का प्लान अप करते हैं इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से, तो आपको क्या लगता है क्या वो पीडी क्लासेस पे इजीली आए या उनके मन के अंदर अभी डर रखे वो थोड़ा सा? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि ये डर सबके होता है, मेरे भी था. Okay. तो मैं ये कहूँगा कि बेझिझक आ सकते हो आप. ओके. Okay. पर आपको तो भी एक ही दिन हुआ है, तो आप एक दिन में इतना खुल गए हमारे साथ, आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा माहौल है? सर बिकॉज ऑफ यू. ओके. सर आपका नेचर, आपकी एनर्जी. ओके. और आप जितना मेहनत करते हो स्टूडेंट के साथ, वो तो स्टूडेंट्स भी देखते ही हैं यूट्यूब पर कि कितना मेहनत करते हैं, तो एवरीथिंग इज ओके. तो हमारे स्टूडेंट्स कैसे लगे आपको, आपके जो दोस्त बनते हैं हमारे, सोयरा कैसे लगे आपको, प्रवीण कैसे लगे, ये दोस्त आपके जो बने हैं ये कैसे लगे आपको? सर सभी अच्छे हैं, सभी नॉलेजेबल हैं. ओके. और सभी सीखने के लिए आए हैं. ओके. चलिए मुझे बताइए कि आपने पीएचडी में जो थीसिस लिखे या जो आपके आर्टिकल्स जाते हैं वो किन टॉपिक्स के ऊपर गए? सर मेरा जो पीएचडी का टाइटल है वो है हिंडोन तहसील में मनरेगा की भूमिका. ओके. हिंडोन तहसील में नरेगा प्रोग्राम जो इंडिया गवर्नमेंट का चल रहा है. यस. नरेगा. हाँ. एम नरेगा नाम हो गया क्या आजकल उसका? महात्मा गांधी नरेगा. ओके. फुल फॉर्म बताइए उसके. महात्मा गांधी नरेगा. ओके. बताइए. सर ये प्रोग्राम है और यही एकमात्र प्रोग्राम है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो काम मांगने पर काम देता है. ओके. अगर आप फ्री हो और आप बोलते हो कि मेरे पास काम नहीं है, तो आप जाइए और अप्लाई कीजिए कि मुझे काम चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करवाएंगे काम. अगर काम नहीं देते हैं वो, फिर आपको वो 15 दिन का भत्ता दिया जाएगा कि हम आपको काम प्रोवाइड करवाने में असमर्थ हैं, लीजिए आपका इतने दिन का, 15 दिन का आपका इतना पैसा बनता है, आप इतने ले लीजिए. आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजीज देश को डेवलप करने के लिए सही है या कहीं ना कहीं देश के लोगों को लिथार्जिक बना रही है? और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से जो एम नरेगा चल रहा है,
इस चीज से हमारे जितने भी देश के इंप्लॉयर्स है या जो वर्किंग जो है उनको इसका लॉस होता है, आपको क्या लगता है देश को इससे बेनिफिट है या लॉस है? सर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। ओके तो सर अगर इसमें स्पेशली ये ध्यान रखा गया था रूरल एरियाज के लिए, तो रूरल एरियाज में एक पर्टिकुलर जो जैसे कि अपन फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स बाहर जाके काम नहीं कर पाती। okay. और फीमेल्स मोस्टली एग्रीकल्चर में वर्क करती हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर पर्टिकुलर दो बार की फसलें ली जाती है, तो मिड जो टाइम होता है 3-4 मंथ का उसमें वो बेगार बैठी रहती है, उस उन टाइम का यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर उन 4 मंथ्स में वो काम करके अपना इनकम बढ़ा सकती है। ओके okay. और सेकंड ऑफ की जो रूरल स्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है वो इसी मनरेगा के तहत किया जा रहा है। ओके okay. न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? यस सर। एफडीआई क्या होता है? सर एफडीआई होता है एफडीआई फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है ये? सर कोई भी संस्था बाहर से आकर अपने इंडिया में लाइक दैट इंडिया ऑब्वियसली इंडिया वाले बाहर जाएंगे तो या इंडिया वाले बाहर जाएंगे या फिर इंडिया yes, में आता है कोई वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि जयपुर की मेट्रो बनाई जा रही है okay. वो एफडीआई के थ्रू बनाई जा रही है okay. अभी कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है अपना उसमें, और अभी ये जो रेल आई है मोदी साहब लेके आए हैं जापान से yes, yes. वो भी जापान एफडीआई कर रहा है यहाँ पर। ओके आप नियर बाई जयपुर के हैं तो ऑब्वियस है हम आपसे जयपुर के बारे में जरूर पूछेंगे। बिल्कुल सर। तो बताइए हमें कुछ जयपुर के बारे में। सर जयपुर की स्थापना जो हुई थी 1727 में सवाई जयसिंह जी ने की थी, और जयपुर काफ़ी हिस्टोरिकल पैलेस है एट प्रेजेंट टाइम भी, और टूरिज्म की दृष्टि से राजस्थान का नंबर वन। ओके सबसे ज़्यादा फॉरेन पर्यटक यहीं आते हैं। इसके अलावा जयपुर में अपने यूनेस्को में शामिल जो है जंतर मंतर है, नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर फोर्ट, ये तीनों काफ़ी फेमस फोर्ट हैं, और यहाँ पर काफ़ी शासन रहा है राजाओं का right. और इसे पिंक सिटी भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ अल्बर्ट हॉल के उद्घाटन में जब जॉर्ज पंचम और विलियम okay. मैरी आए थे तो राम सिंह ने उसको पूरे जयपुर को पिंक कलर से पुतवाने का आदेश दिया था okay. तो उसी समय से जैसे ही विलियम मैरी और जॉर्ज पंचम आए तो उनके मुँह से वो इट इज पिंक सिटी। ओके उसी समय से जयपुर को पिंक सिटी के नाम से। वेरी गुड। सो नॉलेज वाइज यू आर गुड, पर आप मुझे ये बताइए कि केवीएस में हम आपको जॉब किसी भी एरिया में दे सकते हैं, तो आप अपने आप को सेटल कैसे करेंगे? सर ये तो एडजस्टेबल नेचर होता है। ओके और वो डार्विन की थ्योरी भी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके तो अगर आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इतना डिफरेंस नहीं है क्लाइमेट को लेके। राइट हाँ ठीक है थोड़ा बहुत आ जाता है लेकिन इतना भी नहीं आता, बाकी सेम ही है। अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो सेम है, हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएंगी शुरू में लेकिन आई विल मैनेज। सोयरा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज। सर आपके पास जियो है तो आप जियोग्राफी है तो आप इंडिया का क्षेत्र बता सकते हो? हाँ 342 342 किलोमीटर पर स्क्वायर। सही बताया इन्होंने। ओके सो गुड क्वेश्चन। यस तो हम अपने स्टूडेंट्स से भी बात करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स वी आर कॉलिंग यू हेयर फॉर 7 डेज, नो डाउट वी आर गिविंग यू टेलीफोन कोर्सेज, वी आर राइडिंग आर बुक्स यूनिवर्सल 70 वेज आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी आउट ऑफ 3 बुक्स। बट द थिंग इज यहाँ आने के बाद आप अपने आपको ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाते हो, और ये जो 7 डेज आप हमें हमारे साथ लगाते हो इसमें आपका ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका नॉलेज है, क्योंकि देखो 3 चीज़ चाहिए होती है सक्सेस पाने के लिए। मैंने अपनी वीडियोस में कई बार आपको इंटीमेट किया है, एटीट्यूड स्किल एंड नॉलेज। एटीट्यूड आपका बन जाता है जब आप यहाँ के बारे में सोच लेते हो कि मुझे यहाँ आना है, ये एटीट्यूड आपका बन चुका है। सेकेंड इज वैन यू थिंक एज इफ कि मुझे अपनी स्किल्स डेवलप करनी है तो बिल्कुल आप हमारे ऑरा में आते हो और डेफिनेटली यू विल लर्न योर स्किल्स ऑल्सो। जैसा आपने कहा कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होता है तो बिल्कुल उस पॉजिटिव ऑरा के अंदर जब आप एंटर होगे तो ऑब्वियस है कि आपकी स्किल्स तो डेवलप होगी। फिर आता है नॉलेज जो आप धीरे धीरे अपना डेवलप करते हो, तो थोड़ा नॉलेजेबल बात भी करी जाए, हमारे कैंडिडेट से पूछा जाए और चेक किया जाए इनका नॉलेज लेवल। मुझे बताइए कि आप है ना आपकी क्लास में कुछ वीक कैंडिडेट्स हैं, आपको उन्हें भी इम्प्रूव करना है। मैं उन्हें ये कहूँगा कि वो स्लो लर्नर्स है राइट okay. right? तो उनको आपको थोड़े स्ट्रांग बनाना है स्टडीज में, आप क्या करेंगे? सर अगर वीक स्टूडेंट हैं yes. तो सबसे पहले तो पता करने की कोशिश करेंगे कौन कौन स्टूडेंट वीक हैं ओके okay. और वीक पोर्शन किस लेवल का है उनका राइट right.
एक तो राइटिंग को लेके हो सकता है right. या फिर समझने की शक्ति हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप उन्हें समझा रहे हो लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे right. तो पहले तो इस चीज का पता करना है. इसके अलावा ये भी पता करना है कि वो आपकी सब्जेक्ट में वो नॉलेज कम रखता है या फिर सभी सब्जेक्टों में, मतलब ऑलमोस्ट okay. वो स्टूडेंट या तो पूरी तरह से डल है या फिर मेरी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा. तो सबसे पहले इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर काम किया जाएगा. उसको आप उसके नॉलेज को बढ़ाने के लिए उसको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे जो उससे रिलेटिव हो और उसके नॉलेज को बढ़ाने में सच में ही हाँ कारगर हो. ओके, इससे उसका नॉलेज गेन किया जा सकता है. सो आपको लगता है कि इन प्रैक्टिसेस से वो डेफिनेटली डेवलप होगा? यस सर, आई थिंक. ओके, आप अपने साथ डेमो प्लान लेकर आए हैं? यस सर. किन किन टॉपिक्स पर आप लेकर आए हैं? दो तीन टॉपिक्स बताइए हमको. सर, एक तो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना right. इसके अलावा महाद्वीप महासागर का वितरण okay. इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति जो किस प्रकार हुई थी उसके बारे में भी. तो कुछ बताएंगे हमको कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सर, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर दो प्रकार के थ्योरी चलती हैं. हाँ जी. एक अर्ली थ्योरी, एक मॉडर्न थ्योरी. ओके, अर्ली थ्योरी में फर्स्ट सबसे पहले कांट जी आए थे. ओके, कांट के नेबुलर हाइपोथेसिस. सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस कांट के द्वारा दी गई थी लेकिन इसको रिवाइज जो किया था वो लाप्लास जी ने किया था. उन्होंने ये बोला था कि धूल के बादल है ना, अब पृथ्वी धूल के बादल जब घूमते हैं तो उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ. उसके बाद चैम्बरलिन और मॉल्टन जी आए, उन्होंने बोला था कि सूर्य जब अपने अक्ष पर घूमता है तो सूर्य के साथ साथ एक साथी तारा उसकी परिक्रमा करता है, और जब वो सूर्य के नज़दीक आता है तो सूर्य से कुछ सेगमेंट अलग होके उस साथी तारे के साथ जाने की कोशिश करता है, और उस जो टूटा हुआ पार्ट है उसको उन्होंने फिलामेंट्स बोला था. okay. वो फिलामेंट्स उनके साथ जाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो साथी तारा आगे मूव कर चुका होता है, तो वो जो पार्ट्स अलग हुआ है ना तो वो पास आ पाता ना जा पाता. इस प्रकार अपने अर्थ और अर्थ जैसे काफ़ी प्लेनेट्स की, अर्थ जैसे और 7 प्लेनेट्स की उत्पत्ति हुई. ओके, और अभी जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी में अभी बिग बैंग थ्योरी है. बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, और इसके पक्ष में जो एविडेंस दिए थे वो दिए थे जॉर्ज एडविन हब्बल ने. एडविन हब्बल के एग्जांपल को हम ऐसे मतलब बिग बैंग थ्योरी का मेन कंसेप्ट है कि आकाशगंगाएं वर्तमान में दूर जा रही है राइट right. इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि अपन ने बैलून लिया, उस बैलून पे कुछ स्पॉट मार्क कर दिए right. है ना, और उस बैलून में फिर हवा भरी जाए तो हवा भरने से वो स्पॉट दूर होते जाएंगे. बिग बैंग थ्योरी. ओके, वेरी गुड. नॉलेज तो अच्छा है इनको राइट right? बहुत अच्छा नॉलेज, वेरी गुड. तो आई होप स्टूडेंट्स दैट दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी वेरी फ्रूटफुल. और ये जो मॉक सेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, इसका पर्पज़ यही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाया जाए. तो इंटरव्यू इतना मौका नहीं देगा यार कि आपसे बहुत बड़े बड़े आंसर सुने, मगर आपके पास हमेशा बड़ी आंसर होने चाहिए. रीजन इज ओनली वन, क्योंकि जिस दिन उसे सुन लिया और आपके पास नहीं है तो गलत है. yes. हाँ, अगर आपके पास बातें हैं अच्छी और बड़ी अपने बारे में, इवन अपना इंट्रोडक्शन, इवन बहुत सी बातें, कोई भी आंसर, तो उसमें अगर इंटरव्यूअर आपको काटता है बिल्कुल आप चुपचाप वहां कट जाइए और आगे बढ़ जाइए. दैट्स द बेस्ट वे. इनका वेट मत कीजिए कि मैं वो सारी बातें ही सुनाऊंगा. रीजन इज ओनली वन कि हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है स्टूडेंट को ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाना, ना कि उसे बार बार उसको क्रॉस करना. मगर इंटरव्यूअर कभी भी इतना समय आपको नहीं देगा, वो आपको बीच बीच में क्रॉस करेगा और जल्दी जल्दी बातें खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड टाइम है राइट. वो आपकी हेल्प भी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करेगा, ही इज एन इंटरव्यूअर. तो ऑब्वियस है कि आपको बेस्ट प्रिपरेशंस करके जानी चाहिए. तो आई होप कि दिस सेशन विल बी वेरी फ्रूटफुल एंड इट्स अ राइट टाइम टू गिव हिम बेस्ट विशेस. कोई ऐसी बात जो आपको लगी इनके अंदर अच्छी, आपको लगा कि ये बात बहुत अच्छी है इनके अंदर? नॉलेज काफी अच्छी है. नॉलेज अच्छा है. टीचिंग लाइन में ही नहीं सर, अदर आसपास का माहौल इनको अच्छा है राइट. जैसे मैं इनको एफडीए में ले गया था, मैंने इनसे न्यूज़पेपर की वगैरह बात करी, उनसे जहां पर मैं इनको ले गया इन्होंने कोशिश किया उस बात को बताने का राइट. वेरी गुड, तो दिस इज अ नाइस थिंग. और ड्रॉबैक्स में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि हर आदमी में कमियां तो है. yes. ये बात अलग है कि हमें वो कमी दिखी कि नहीं दिखी. तो क्या कमियां कहते हो आप? सर, एक्सप्लेन करने इंग्लिश के अंदर इनको दिक्कत है. ओके, अभी इनको कम्युनिकेशन इतनी इंप्रेसिव नहीं बना पा रहे कि ये केवीएस के अंदर जब जाएं तो ये थोड़ा बाइलिंगुअल अपनी इंग्लिश को ज्यादा स्पीक कर पाए ताकि उनको इंप्रेस कर पाए. और कुछ आपको लगता हो? और तो कुछ नहीं सर. कुछ बातें होती है जैसे मैंने इन पे कुछ वर्ड्स देखे थे, जैसे ये बोलते हैं अपन है ना, तो इनको बोलना चाहिए अपने या हमें. तो ये हमारी जो लोकल लैंग्वेज है बहुत आती है,
आगे आड़े आती है ना कैसे, ये चीज़ होती है जब हम स्पीक करते हैं तो हमारी बहुत सी लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स आ जाते हैं, वो नहीं आने चाहिए, सबसे बड़ी बात है, राइट। उसकी जगह कोई टेक्निकल वर्ड्स लेकर आओ, कोई इंग्लिश के वर्ड्स लेकर आओ, जैसे मैंने आपको बहुत बार अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हैं, आप उनको यूज़ करने की प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे क्या वो वर्ड्स आते जाएंगे और आपकी इंग्लिश में आते रहेंगे। और हमेशा ही अपनी हैबिट बनाओ, क्योंकि आप KVS के लिए जा रहे हो, मैक्सिमम वर्ड्स आप हिंदी इंग्लिश में बात किया करो लोगों से, चाहे आप हिंदी से ही बात कर रहे हो तो भी आप मैक्सिमम वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करो, तो इट विल कम इन योर हैबिट। आप कहीं भी बैठे होंगे आपके मैक्सिमम वर्ड्स इंग्लिश के ही यूज़ होंगे, राइट। तो वेरी गुड, कीप इट अप, ओके, बेस्ट विशेस टू यू, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक।